नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिप्स म्यूजिक एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी सॉन्ग की हमको कॉर्ड्स कैसे निकालें, ठीक है, किसी भी सॉन्ग के कॉर्ड्स नोट्स कैसे निकालने की कोशिश करें हम। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए, इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ, मैं उदाहरण भी लूँगा। तो आप लोगों ने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और साथ ही बेल आइकन नहीं दबाया है तो ये दोनों काम आप अभी कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। सबसे पहली बात कि हम कोई सा भी सॉन्ग प्ले करते हैं, कोई सा भी गाना निकालने की कोशिश करते हैं तो उसकी हम स्केल फाइंड करते हैं, ठीक है, वो कौन सी स्केल में है। जैसे कोई गाना है जो सी शार्प मेजर पे हो सकता है, अब वही गाना अगर डी स्केल पर बजाए तो एक स्केल वो अप हो गया, जैसे मैं एग्जांपल हूं कच्ची डोरियों 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 से मैंने तो बांध ली, पक्की यारियों 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 में हूं देना पास ली। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको जो सॉन्ग है उसकी स्केल फाइंड करना है। इस पर मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था कि हाउ टू फाइंड स्केल ऑफ एनी सॉन्ग, किसी भी गाने की हम स्केल कैसे फाइंड करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले स्केल फाइंड करने के बाद जिस स्केल में आप कंफर्टेबल हों, जैसे मान लीजिए जो दिल दिया गलना था वो ओरिजिनल सॉन्ग था डी स्केल में, डी मेजर, अब इसी को आप अपनी स्केल में गाना चाहते हैं, अपनी कंफर्टेबल स्केल है। अगर मान लीजिए आपकी स्केल सी शार्प होती है तो आप सी शार्प में गा सकते हैं, तो उस स्केल के अकॉर्डिंग उसके नोट्स और जो कॉर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे हम बात करें डी मेजर स्केल की, सारे गम पदने सा सारे दपा मारे सा, तो जो हम जानते हैं कि कॉर्ड्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स। तो जो सरगम है किसी सॉन्ग की जो आप प्ले कर रहे हैं, कोई भजन या फिर कोई सा भी म्यूजिक, कोई भी आप थीम सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो उसमें जो नोट्स यूज हो रही हैं उन्हीं नोट्स के कॉम्बिनेशन से कॉर्ड्स बनेंगे। जैसे आपने स्केल डिसाइड करी तो उस स्केल में आप देखिए कि कौन कौन से कॉर्ड्स यूज हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए डी मेजर स्केल है तो डी मेजर स्केल में अगर मेजर नोट्स लग रहे हैं यानी कि सभी स्वर शुद्ध, तो उनके अकॉर्डिंग कॉर्ड्स क्या होंगे। जैसे डी मेजर कॉर्ड आएगा कच्ची डोरियों 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 से मैं तू बांध ले, तो डी मेजर कॉर्ड हुआ। फिर एक बी माइनर कॉर्ड होगा उस स्केल में, जैसे मैंने आपको कॉर्ड्स ट्यूटोरियल भी बनाए थे लेसन्स, तो अगर आपको कॉर्ड्स फाइंड करने में दिक्कत आती है तो आप वो लेसन्स भी देख सकते हैं कि हम किसी भी स्केल से किसी भी थाट में कॉर्ड्स कैसे प्ले करते हैं। मैंने आपको बताया था जो लॉजिक होती है फर्स्ट एंड थर्ड, वो आपको देखना होता है कि मेजर है या माइनर, और उसके बाद सा और पा, इन तीनों का हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। डी मेजर कॉर्ड हुआ, एक ई माइनर कॉर्ड आएगा, जी मेजर कॉर्ड आएगा, ए मेजर, डी माइनर, डी मेजर, ठीक है। तो जनरली जो सॉन्ग्स हम मेजर स्केल में प्ले करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चार कॉर्ड्स में प्ले हो जाते हैं, जनरली हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने कॉर्ड्स उसमें यूज ले रहे हैं, और कॉर्ड्स यूज करना कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कॉर्ड्स चेंज भी कर सकते हैं जो आपका फील ले रहा है उस गाने में, ठीक है, जैसी उस गाने की फील है, जिस लाइन पर जैसी फील है उसके अकॉर्डिंग हम कॉर्ड्स फाइंड करते हैं। कॉर्ड्स वेरी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम कॉर्ड्स हों, जो कंपोजर है वो अपने कॉर्ड्स खुद देता है, और ज़रूरी नहीं कि वही कॉर्ड्स हमको फॉलो कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उस स्केल में कॉर्ड्स चूज कीजिए। अभी हमने बात करी जैसे डी मेजर स्केल में, तो अब मान लीजिए आप सी शार्प मेजर पर गा रहे हैं, सी मेजर स्केल में, ठीक है, तो जो नोट पहले डी था वो अब बन जाएगा सी शार्प, जो पहले कॉर्ड था डी मेजर वो अब बन जाएगा सी शार्प मेजर। तो ऐसे आपको कॉर्ड्स की पहचान करनी है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, खुद से कोशिश करेंगे कॉर्ड्स निकालने की और नोट्स निकालने की, तभी आप सीख पाएंगे। आप किसी और को फॉलो करेंगे या फिर कॉपी करेंगे नोटेशंस को तो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। कोई गाना है वो आपको पहले पहचानना है कि उसकी फील कैसी है, मेजर में है या फिर माइनर में है, माइनर में है तो कौन कौन से नोट्स आ रहे हैं उसके, कौन कौन से थाट्स हैं, वो आपको सुनकर प्ले करना है, सुनकर पता करना है। जैसे कोई गाना है,
कौन सी नोट्स यूज हो रही हैं, जैसे जो सा माना आपने, शार्प को समान। अब जैसे आप सा ही चेंज कर देंगे तो वो उसके कॉर्ड्स भी चेंज हो जाएंगे, नोट्स भी चेंज हो जाएंगे। जैसे आपने एफ शार्प को समान, जो आप स्केल में कंफर्टेबल हो। और दूसरी बात, आपको डिसाइड करना है कि वो मेजर स्केल है या फिर माइनर स्केल, वो कैसे डिसाइड होता है, उसके लिए आप पहले सा मानिए, स्केल चूज कीजिए। ये सब मैं लेसन्स बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो आपको डाउट आता है मेरे चैनल को विजिट कीजिए, सारे टॉपिक्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे, कैसे हमको सा चूज करना है, फिर उस सा के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्वर कौन सा आएगा, रे शुद्ध आएगा या फिर रे कोमल आएगा। जैसे मान लीजिए हमें तुमसे प्यार कितना, ये सा हुआ, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। ये कॉर्ड्स अभी सही नहीं है, जब हम मैच करने की कोशिश करेंगे तो हम कॉर्ड्स भी निकाल पाएंगे। मतलब कि आप सारे कॉर्ड्स की लिस्ट बना लीजिए पहले, कि उस स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद उन कॉर्ड्स में से छांटिए कि कौन सा कॉर्ड इस पर सूट कर रहा है, इस पर सबसे ज्यादा सूट कर रहा है, ठीक है। तो वो कॉर्ड आपको रखना है, फिर आपको एक पैटर्न बनाना है किसी कॉर्ड्स का, चार कॉर्ड्स का या फिर तीन कॉर्ड्स का, जैसे सॉन्ग होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो जैसे इस गाने में सा के बाद अगर मैं सी शार्प को सा मानता हूँ तो रे कोमल प्रयोग होगा, हमें तुमसे प्यार कितना सा रे गा गा मा 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 मा, सा रे कोमल ग कोमल फिर मा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको कॉर्ड्स और नोट्स की प्रैक्टिस करनी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। फिर ऐसे जो मेजर सॉन्ग्स हैं, स्टार्टिंग में आपको मेजर सॉन्ग्स पर ही कमांड करनी है, जैसे कि हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ये सब जो छोटे छोटे सॉन्ग्स हैं इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। जब जैसे आपको ये सॉन्ग समझ में आने लगेंगे फिर आपको एक आइडिया होने लग जाएगा कि कौन सा सॉन्ग मेजर में है। जब भी कोई भी सॉन्ग मेजर में होगा तो वो तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर ऐसे ही धीरे धीरे जब आप बाकी सॉन्ग्स करेंगे, जैसे मेरे रश्के कमर हुआ, ये भी माइनर में, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। ये सब माइनर सॉन्ग्स हैं, तू ही मुझको बता दे जाऊं मैं या ना, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाना है। आप मेरे बाकी ट्यूटोरियल्स भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें जो भी इसमें ट्यूटर में मैंने बात करी, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे सा हम कैसे डिसाइड करें, किसी भी गाने की स्केल कैसे पता करें, तो ये सब आप उनमें से देख सकते हैं। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि कैसे हमको नोट्स और कॉर्ड्स निकालने हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोज बनाने में। मिलते हैं हम अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।